और मैं समझता हूँ कि अब इस दौर में दूसरा मुलायम सिंह यादव कभी पैदा नहीं होंगे। आज बहुत ही दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद समाचार है। एक जीवंत व्यक्तित्व का धनी, अपने कार्यकाल में बोल और सक्षम निर्णय लेने वाले, उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। आज बहुत ही दुख। हमारे साथ इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश प्रताप राव, सपा नेता हैं। राजेश जी, आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा समाजवाद के एक युग का आज अंत हुआ है। आज सुबह उन्होंने 8:16 पर अपनी आखिरी सांस ली है। ये बहुत ही शोक का क्षण है और प्रदेश के लिए बहुत ही दुख का क्षण है। ये क्या कहेंगे आप इस पे? हम लोगों के लिए तो एक अभिभावक चला गया। हम लोग अभी वेदांता हॉस्पिटल से ही निकले हैं और समाजवाद के एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसे युग का अंत हो गया। दूसरा मुलायम सिंह शायद भारत की राजनीति में पैदा होना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया, गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए उसको देखने का काम किया, गरीब उन्नति कैसे करे, देश में समानता कैसे आए, देश तरक्की कैसे करे, पूरा जीवन उनका इसी में चला गया। आपको याद होगा जब वह देश के सेनाओं के प्रमुख बने, रक्षा मंत्री बने, तो पहले सैनिक शहीद होते थे तो उनका टोपी और बेल्ट उनके घर भेजा जाता था, लेकिन इस पीड़ा को माननीय नेताजी ने समझा और शहीदों का शरीर, जो उनका पार्थिव शरीर था, वह घर पहुंचने लगा। ऐसे थे हमारे नेताजी। शायद ऐसा युग पुरुष पैदा होना भारतीय राजनीति में बहुत मुश्किल है। हम लोगों के लिए तो ये बहुत भावुक क्षण है। हम लोगों के गार्जियन की तरह थे, परिवार के एक सदस्य की तरह समझते थे और हम लोग भी एक किसान परिवार से निकलकर अगर राजनीति में यहाँ पहुंचे हैं तो उसके पीछे कोई नेता था तो उसका नाम मान मुलायम। राजेश जी, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता सफाई पहुंचने वाले हैं और नेताजी का पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे, अपना शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और प्रदेश कार्यालय में भी? नेताजी सर्व सुलभ और सर्वमान्य नेता थे, इसलिए आज इस दुख की घड़ी में पूरा देश और प्रदेश, हम लोग तो लगातार बने रहे हैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल में, मेदांता में। देश का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो नेताजी को देखने ना आया हो, तो इसलिए यह उम्मीद और यह संख्या तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन पूरा देश उनसे प्यार करता था और बहुत भारी संख्या में लोग उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं पूरे प्रदेश और देश से। राजेश जी, मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था कि वो अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को नाम के से जानते थे और नेताजी अगर अपने कार्यकर्ता के जो उनकी कार्यकर्ताओं की जो क्वालिटी होती है उसको पहचान लेते थे और छोटे कार्यकर्ता को नीचे से लेकर मंत्री पद तक का दर्जा देने में नेताजी कभी चूकते नहीं थे। बिल्कुल सही है आपने कहा। और नेताजी के राजनीतिक जीवन को अगर आप उठा के देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि उन्होंने हमेशा चाहे राजनीति हो और चाहे जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया, उन्होंने बिल्कुल अंतिम और गरीब आदमी के लिए काम किया, शोषित के लिए काम किया। और यही देन थी कि पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो जो नारा सोशलिस्टों का था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, उसको नेताजी ने चिरतार्थ करने का काम किया था और हॉस्पिटल में पहली बार दवाई फ्री मिलने का काम किया था। तो नेताजी का पूरा जीवन, अंतिम व्यक्ति गांव गरीब की लड़ाई और उसके चेहरे पर खुशहाली के लिए उनका पूरा जीवन।